Hey, hello dear friends, good evening and very welcome back to the channel. तो मैं हूँ आपके अपने दोस्त पूर्णिमा और आ गई हूँ आज एक प्यारा सा ब्लॉग लेकर आप सबके सामने. तो आई होप आप सब आज के इस ब्लॉग को एंजॉय करेंगे. तो आज का जो ब्लॉग है वो मेरा पूरा किचन टूर के ऊपर है, तो बहुत अच्छे से देखना और एंजॉय करना पूरे ब्लॉग को. तो चलिए आप सबको मैं कराती हूँ मेरे पूरे किचन का टूर. तो आई होप आप सब एंजॉय करेंगे. तो चलिए सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ मेरे ऊपर के वार्डरोब से जो कि एकदम नया है. तो ये है फर्स्ट वार्डरोब और इस पर दो सेल्फ मैंने बनाए हैं और पूरे कांच के बर्तनों को मैंने यूज़ करा है इसमें. तो चलिए आपको मैं बताती हूँ. तो मैं आपको बता दूं कि मैं ऊपर वाले सेल्फ में मैंने सारी क्रॉकरी की सेट रखी है, यानी कि इधर से सारे कांच के प्लेट्स और बड़े बॉल्स हैं तो इधर से मैंने रखा है. और कुछ शो पीसेस मैंने छोटी छोटी रखी है, छोटा सा कॉफी मग रखा है, टी मग भी है. ये नीचे वाले सेल्फ से मैंने क्या करा है कि मेरे फेवरेट जो ग्लासेस है उसका एक सेट रखा हुआ है. और इधर से जो एक कप और कैटली का सेट है ये लगभग 10 साल पुराना है और इसे हम लोगों ने $1000 से लिया था. तो एक हिस्टोरिकल प्लेस था वहाँ की ये चीज़ें, तो काफ़ी अच्छी है. तो इस वाले वार्डरोब को मैंने कुछ इस तरह से सजाया है. चलिए आपको ले चलती हूँ मेरे दूसरे वाले वार्डरोब में. तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा दूसरा सेल्फ जो कि है सेकेंड पार्ट. और इस वार्डरोब को मैंने कैसे सजाया है तो आप लोग समझेंगे. तो इधर पे मैंने ऊपर वाले सेल्फ में मेरे फेवरेट्स कुछ कप्स और प्लेट्स रखे हैं. इधर पे बॉल का सेट है और इधर पे मैंने सारे इंडक्शन के सेट्स रखे हैं. तो ये भी जो है मेरे फेवरेट है और कुछ ही रखे, सारे नहीं रखे, बस हल्का फुल्का सा डेकोर करने के लिए. तो इस वाले दो सेल्फ को मैंने कुछ इस तरह से सजाया है. तो मुझे जैसा सही लगा मैंने वैसा किया. तो आप लोग अपनी राय देना कि कैसा करना चाहिए था या और इसे बेटर हो सकता था या नहीं. तो ये इस साइड के वार्डरोब्स मैंने कुछ इस तरह से डेकोर किया है. तो चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे दूसरे साइड के वार्डरोब्स जो कि ओल्ड वाली ही है. तो मैंने कुछ इस पे चीज़ें यूज़ करके इसको न्यू करने की कोशिश की है. तो ये दोनों सेट्स ही पुरानी वाली हैं. तो इस वाले सेल्फ को मैं बता दूँ आकर कि मैंने इधर पे ग्रॉसरीज ही रखी है जो कि यूज़ होंगे धीरे धीरे, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चिमनी और गैस के क्लोज़ में है. तो मैंने इधर पे इसको इसीलिए पैकेट्स वाले ग्रॉसरीज रखी जिसको मैंने ओपन नहीं करा है. तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ मेरी दूसरी वाली सेल्फ की साइड वाली. तो इधर पे मैंने नीचे वाले सेल्फ पे सारे खड़े मसाले रखे हैं जो कि यूज़ करने के लिए है कैजुअल डेली. और इधर पे जो सारी दाल हैं और जो कुछ ड्राई फ्रूट्स है, फ्रूट्स है, उन सबको मैंने रखा है ऊपर वाले सेल्फ में जो कि रह रहे के यूज़ होनी है, बट मसाले हर रोज़ यूज़ होने हैं. तो मैंने इसको इधर पे नीचे वाले सेल्फ पे रखा है और कोशिश की है इसको अपने हिसाब से डेकोर करने की. तो इस वाली साइड को सबसे कॉर्नर वाली साइड मैंने बनाई है. तो इसका रीज़न ये है कि ऊपर मैंने अचार रखी हुई है क्योंकि अचार से भी बहुत बार कॉकरोचेस आती है घर पर. तो जैसा कि मुझे इन्फॉर्मेशन मिली मैंने अचार को टोटली साइड कर दिया. और इधर पे मैंने मिक्सर रखा है ऊपर वाली साइड में क्योंकि मिक्सर पे हर रोज़ यूज़ नहीं होती है, इस वजह से मैंने कोशिश की इधर को करने की. तो इधर के इस वाले सेल्फ को मैंने कैसे यूटिलाइज किया मैं आपको बता दूँ, क्योंकि इसके ऊपर ही हमारा जो एक्वागार्ड है, इस वजह से मैंने इस जगह को कुछ इस तरह से डेकोर किया है. कुछ सो पीसेस हैं इधर पे, कॉफ़ी मग जो कैजुअल यूज़ के लिए है और पानी इधर से हमारा आता ही है. सिंक हमने कुछ इस तरह से रखा है और ये है कुछ हमारा नीचे का सेल्फ. तो चलिए आप सबको मैं दिखाती हूँ यहाँ से जो कि है गैस ओवन के नीचे. तो इधर पे कुछ काम बाकी है क्योंकि इधर पे जो ये वायर है वो अंदर से जाएगा, हुआ नहीं है. तो इधर पे इसलिए मैं इसको भी ओपन ही रखती हूँ, बहुत ज़्यादा इसको यूटिलाइज नहीं करती हूँ. और जो कुछ ऑयल्स के डब्बे से वही रखे हैं ये उतना यूज़ का नहीं है. तो चलिए आपको मैं दिखाती हूँ यहाँ से इसको मैंने कैसे यूटिलाइज किया है. तो ये है मेरी पहली सेल्फ. तो आप सबको बता दूँ कि इधर पर मैंने दो बड़े ड्रम रखे हैं, एक में आटा और एक में चावल. तो बड़े वाला जो नहीं आ रहा था इसलिए मैंने छोटे वाले पर रखा है.
इधर पे ये जगह मेरा बहुत एक्स्ट्रा हो रहा था, तो इधर पे मैंने कुछ लोकल मसाले रखे हैं। तो बहुत जल्दी मैं जब रहती हूँ तो सारे बॉक्स खोलना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए मैंने कुछ मसालों का एक कलेक्शन रखा हुआ है। तो इसको मैं ऐसे जल्दी में यूज़ कर लेती हूँ। और कुछ कॉटन्स के मैंने कपड़े रखे हुए हैं, क्योंकि तुरंत कुछ क्लीन करना होता है तो मेरी चीज़ें काम में आती है। एक सीजर मैंने रखा हुआ है, और इधर पे कुछ नहीं, बस हल्का फुल्का ही काम की चीज़ें मैंने रखी है। तो ये साइड जो है मैं बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करती, ये क्लोज ही रहता है क्योंकि ये एक्स्ट्रा में है। तो चलिए आपको मैं अब दिखाती हूँ इधर की साइड। तो ये पहली वाली साइड है, तो मैं बता दूँ आपको, यहाँ पर मैंने इधर पर सारे स्पून्स और सारे कलछी और कुछ प्लास्टिक और फाइबर्स की भी रखी हुई है, जो कि यूटिलाइज भी करती हूँ कैजुअली। इधर से मैं बता दूँ आपको, हल्के फुल्की कटोरियाँ और ग्लासेस मैंने रखी हैं जो कि मुझे यूज़ करनी होती है। इधर पे मैंने थाली रखी है जो कि मुझे डेली यूज़ करनी होती है। तो चलिए आपको थोड़ा बता दूँ कि मैंने मेरे पूरे सेल्फ को कैसे यूटिलाइज किया है। तो सबसे पहले इधर पे मेरे इलेक्ट्रिक पार्ट्स और प्लग्स है, तो मैंने इधर पे इंडक्शन को रखा है, और जो बहुत जल्दी होती है गैस जल्दी रहता, तो मैंने इसे यूज़ कर लेती हूँ। दो पानी की बॉटल्स मैंने पास में रखी है कि तुरंत मुझे जब पानी लेना होता है तो मैं यहाँ से इसको यूज़ कर लेती हूँ। एक दो तीन चार कुछ ग्लासेस है लोकल, कुछ वैरायटी सेटल्स मैंने ऐसे ही रखा हुआ है। हॉट वाटर कैटल मैंने रखी हुई है, तो ये पीछे से कुछ मैचिंग होती है तो मैं इसको मोस्टली बाहर ही निकाल कर रखती हूँ मेरे हिसाब से। और कुछ सेट का लुक है। इधर की मैं बात करूँ तो जब मैंने फ्लावर का वास रखा हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अच्छा करना था क्योंकि पहले यहाँ पे ड्रम्स और सब्जी का एक ट्रॉली था तो अच्छा नहीं लगता था। इधर मैंने इसे कुछ इस तरह से सजाने की कोशिश की है, मेरे पसंद के फ्लावर्स है वास के साथ। और चलिए मैं आपको दिखाती हूँ गैस ओवन। तो इधर पे मेरा गैस ओवन है जो कि पहले से ही यही था, और मैंने इसको यहीं पे रखा हुआ है। और इसको मैं थोड़ा आगे पीछे कर लेती हूँ जब मैं चिमनी यूज़ करती हूँ तब। और मैं आपको बता दूँ कि उधर पे चिमनी का जो बड़ा वाला सा वायर था, पाइप था, वो दिखता था, तो उसको मैंने इस बार पूरा कवर करवा लिया है और कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो चलिए आपको मैं बताती हूँ मेरा ओवरऑल किचन, एक बार आप देखो और बताओ कि आप सबको कैसा लगा। तो आई होप आप सबको मेरा आज का ये किचन टूर पसंद आया होगा। और आप सबको अगर मेरा आज का ये किचन टूर पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें जो कि नए हैं, बेल आइकन को दबाएं अगली नोटिफिकेशन के लिए, इससे भी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी वीडियोस आती रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू ड्रीम्स।